नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में रहते हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी वीडियो या कोई पीडीएफ फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप किसी पीडीएफ फाइल में या फिर किसी अदर एक्सटेंशन फाइल के अंदर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, तो उस फाइल को भी आप एमएस वर्ड में इस ऑप्शन की मदद से इंसर्ट करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यह सब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बेसिकली ये वो सभी ऑप्शन है जो कि एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी आपने अपने सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको सिंपल क्लिक करना होगा और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे डिस्प्ले एज आइकन का, तो आपको उस एप्लीकेशन का यहाँ पर आइकन दिखाई देगा जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसको इंसर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर चेक मार्क को यहाँ पर हटा देना है और उसके बाद बिटमैप इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पेज के साइज़ को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलिप्स लिया और एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ से कोई भी कलर बकेट लिया और यहाँ से कोई भी कलर फिल इसके अंदर कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं एमएस पेंट को यहाँ पर क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन था, जो हमने डिज़ाइन एमएस पेंट में किया था, वो आपको यहाँ पर एमएस वर्ड में दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप इसमें फिर से कोई चेंजेस करना चाहते हैं आपको सिर्फ इस पे जा करके डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका वो एप्लीकेशन फिर से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप जो भी चेंजेस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो चेंजेस करके जैसे आप इसे कट करेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन और आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ए करके पहले डिलीट कर देता हूँ। वापस से इंसर्ट टैब में जाना है, ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके पावर पॉइंट के ऑप्शन हैं। और सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप पावर पॉइंट को ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक टाइटल पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी टाइटल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। उसके बाद अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ पर स्लाइड पर जा करके जैसे आप ब्लैंक स्लाइड या न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो स्लाइड ओपन हो जाएगी। मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई है अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पर बाहर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आकर के फिर से डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी और एरो की मदद से आप प्रेजेंटेशन को आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप स्कैप बटन दबाएंगे तो वापस से आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हट जाएगी। और अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का। आप जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रेजेंटेशन वापस से यहाँ पर ओपन हो जाएगी और फिर से आप इसमें कुछ भी टाइटल या कुछ भी ऐड करना चाहें तो इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन सभी ऑप्शंस का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक्सेल में अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी एमएस वर्ड में रहते हुए आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको प्रॉपर कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट।
डिलीट करने के बाद वापस से इंसर्ट टैब में फिर से ऑब्जेक्ट पे आपको जाना है और यहाँ से हमें सर्च करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल आपका ओपन हो गया। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी टूल्स आपके एमएस एक्सेल के हैं। अब इसमें आप कोई काम करना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेल का पूरा फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद जैसे आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल यहाँ से हट जाएगा, वापस से आपका एमएस वर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आकर के आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वापस से आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और फिर से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वापस से उसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट फ्रॉम फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने डी ड्राइव को यहाँ पर सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ जाकर के हमारी जो भी वीडियो हमें इसमें इंसर्ट करनी है उस वीडियो को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वीडियो का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और अगर आप इस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पर आना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही दो बार आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो वीडियो थी वो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को भी आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पीडीएफ फाइल को या किसी भी अदर एक्सटेंशन की फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेते हैं, पूरे डेटा को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर वापस से आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको वापस से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑप्शन के जस्ट बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, इस ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपकी जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड्स के अंदर है, डाउनलोड में हम जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट वाली फाइल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। आप देखेंगे ये हमारी जो फाइल है वो पीडीएफ है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नोटिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट होगी जिसे आपको सिंपल यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो वो डॉक्यूमेंट था, जो पीडीएफ फाइल थी, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ फाइल को वापस से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है वापस से फाइल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन। एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस फाइल, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और हम इसी नाम से इसको सेव कर देंगे तो इसके लिए आपको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ में वापस से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर कोई अदर फाइल, नोटपैड फाइल या वर्डपैड फाइल या किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वापस से नया पेज ले लेते हैं, इंसर्ट टैब में फिर से चले जाते हैं, वापस से उसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन की फाइल को सिलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट वन की फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस फाइल के अंदर हमने ये एक्स नाम का सिग्नेचर बनाया था जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।